ये वही इसराइल है जो फिलिस्तीन से लेकर सीरिया तक मिसाइल दाग रहा है, लेकिन खुद के घर में घमासान मचा हुआ है। ये वही इसराइल है जिसकी कमांडो फोर्स मोसाद दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन आज इस प्रदर्शन को रोक पाने की हिम्मत इजरायली सरकार नहीं कर पा रही है। ये वही इसराइल है जो यहूदियों के लिए सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है, लेकिन आज लाखों लोग इजरायली सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पिछले 8 हफ्तों से लगातार इसी तरह का प्रदर्शन इजरायल के शहर शहर में हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू सरकार इसे अनसुना कर रही है। हालात ऐसे हो चले हैं कि नेतन्याहू सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शनकारी गाना गा रहे हैं, प्रदर्शनकारी बैंड बजा रहे हैं, प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं, जो नेतन्याहू की दमनकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। हालात इतने संगीन हो चले हैं कि विपक्षी दल के नेता भरी मीटिंग में नारेबाजी करने लगते हैं। नेतन्याहू के सामने ही कुर्सियों से उठकर नेतन्याहू के करीब पहुंच जाते हैं, जिन्हें सुरक्षा कर्मी खदेड़ कर बाहर ले जाते हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल में होने वाले इस प्रदर्शन के पीछे इजरायल के ही पूर्व प्रधानमंत्री येर लेपिड का हाथ है, जो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तभी से मोर्चा खोले हुए हैं जब से नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने हैं। प्रदर्शन लगातार चल रहा है, 10 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ता रहेगा जब तक कि नेतन्याहू जुडिशरी की ताकत खत्म करने के लिए लाए जाने वाले कानून पर रोक नहीं लगाते हैं। अब समझिए इतने बड़े पैमाने पर विरोध की वजह क्या है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतन्याहू न्यायपालिका की आज़ादी का गला घोटना चाहते हैं। वो सारे अधिकार सिर्फ अपने हाथ में रखने का कानून लाने की कोशिश में हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देने वाले प्रस्ताव को संसद से पास करवाने की कोशिश में है। जनवरी के पहले हफ्ते में पीएम नेतन्याहू के सबसे करीबी माने जाने वाले कानून मंत्री यारिव लेविन ने प्रस्ताव पेश किया था कि सरकार अब न्यायिक व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार करना चाहती है। उसके बाद से ही सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की आग और ज्यादा भड़क उठी। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों को लेकर मुकदमा चल रहा है। हालांकि नेतन्याहू इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि इन आरोपों की वजह से जून 2021 में लगातार 12 साल तक पीएम रहने के बाद नेतन्याहू को अपना पद छोड़ना पड़ा था, जबकि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके दोबारा सत्ता में वापसी कर ली थी। लेकिन जब से उन्होंने पीएम का पद संभाला, तब से उनके खिलाफ प्रदर्शन की चिंगारी भड़क उठी थी, जो अब शोलों में बदल चुकी है, जिससे बच निकलना नेतन्याहू सरकार के लिए काफी मुश्किल लग रहा है।